जिया सिंह शिव गुरु चैनल से दोबारा आपके सामने। काफ़ी लंबे टाइम के वक्त आया हूँ, किसी कारणवश मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। लेकिन आज मैं आपको LG की LCD आई है मेरे पास, जो मैं आपको रिपेयर बताऊँगा। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है, आइए पहले LCD मैं दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों मैंने ऑन की, जैसा कि आप देख रहे हो कि इसमें रेड कलर शो नहीं हो रहा है। अगर आप इसे, मैंने लैपटॉप का डिस्प्ले लिया हुआ है इस तरफ, आप देखो मैंने लैपटॉप पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि रेड कलर शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें एक कलर मिस है, जो कि हमारा रेड कलर नहीं आ रहा है। आज हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि मेरा रेड कलर क्यों नहीं आ रहा। वैसे मैं आपको ये बताऊं कि रेड कलर के कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि केबल। तो फ्रेंड्स केबल मैंने बदल के देख ली है, केबल से ये प्रॉब्लम नहीं है, ये लॉजिक कार्ड की है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि लॉजिक कार्ड से ये प्रॉब्लम कहाँ से होती है। तो मैंने इसे डिस्कनेक्ट किया, मैंने ये इन्वर्टर कार्ड के कनेक्शन उतारे, मैंने ये केबल उतार दी। अब मुझे LCD की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक कार्ड की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स ये मेरा लॉजिक कार्ड है, ये पावर सप्लाई है। तो मैंने लॉजिक कार्ड को चेक करना है, उसके लिए ये सर्किट है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें तीन कलर आते हैं। ये मेरा VGA कनेक्टर है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये VGA कनेक्टर है, RGB 1 और 2 3। अगर कोई टेक्निकल है तो उसे ये पता होगा कि RGB में तीन सिग्नल आते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता कैसे चलेगा कि ये तीन कलर कहाँ से आ रहे हैं? तो मैं आपको मल्टीमीटर की सहायता से ये बताना चाहता हूँ कि एक नंबर में मैं R में ये लगाता हूँ, जिस जगह मेरी बीप आ गई, इस जगह बीप आ रही है, तो ये मेरी एक रेजिस्टेंस रेड की हो गई। और फ्रेंड्स फिर मैंने दूसरे नंबर पे लगाया G पे, तो G में मेरी इस जगह पर बीप आ रही है, तो ये रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से तीसरी रेजिस्टेंस मेरी ये है ब्लू कलर की। तो दोस्तों मैंने इसकी शॉर्टिंग देखनी है कि मेरा एक रेड कलर मिस है, तो ये शॉर्टिंग किस जगह हो रही है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरा रेड सिग्नल जो यहाँ नहीं आ रहा है वो किस जगह ग्राउंड है। तो ये मैंने एक लीड ग्राउंड में लगा ली। तो फ्रेंड्स जो मेरी ये रेजिस्टेंस थी, आप देखो यहाँ बीप आ रही है, जो मैंने एक नंबर के साथ चेक की थी रेड कलर के साथ, ये आप देखो कि रेजिस्टेंस बिल्कुल 0-0 हो चुकी है। इसका मतलब यहाँ शॉर्टिंग है। तो फ्रेंड्स अब मैं दूसरी रेजिस्टेंस देखता हूँ। तो फ्रेंड्स देखो दूसरी रेजिस्टेंस पे कुछ ओम बता रहे हैं, 35 ओम अप्रॉक्सीमेटली, तो ये बिल्कुल सही है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हमें यहाँ गेन होनी चाहिए। फिर मैं तीसरी रेजिस्टेंस देख रहा हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ भी तीसरी रेजिस्टेंस पे हमें 34 ओम अप्रॉक्सीमेटली आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी जो दो रेजिस्टेंस में सिग्नल आ रहे हैं बिल्कुल ओके है, और ये जो रेजिस्टेंस थी पहली रेड वाली, ये ग्राउंड के साथ, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये शॉर्ट कर रही है। ये फ्रेंड्स देखो यहाँ पर ये शॉर्ट कर रही है। तो आप लॉजिक कार्ड में देखो, इस तीन रजिस्टर के साथ एक डायोड का एरे लगा हुआ है, इसके थ्रू VGA सिग्नल हमें मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले इसकी शॉर्टिंग ख़त्म करने के लिए इस रजिस्टेंस, इस एरे को, डायोड एरे को निकालूंगा, क्योंकि रजिस्टेंस तो ख़राब होती नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसे निकालता हूँ शॉर्टिंग ख़त्म करने के लिए। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी पेस्ट ली है ताकि ये आसानी से निकल सके। ये मैंने हॉट एयर यूज़ कर रहा हूँ। फ्रेंड्स मैंने ये निकाल लिया है। फ्रेंड्स मैं आपको अब दिखाता हूँ कि जिस रेड कलर पे शॉर्टिंग आ रही थी,
अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस आ रही है। मैंने डायोड एरे निकाला हुआ है, इसी तरीके से मैंने आपको जी वाले में भी दिखाई थी, जी वाले में भी कुछ रेजिस्टेंस थी। तो ये सर्किट हमारा ओके हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ सीआरओ में भी दिखाना चाहता हूँ, जो कि मैंने पहले मैंने नहीं दिखाया है, मैं दिखा देता हूँ। इसके लिए मुझे ऑन करना होगा, तो ये मैं तो फ्रेंड्स मैंने ये केबल लगा ली और ये पावर सप्लाई मैंने कनेक्ट कर दी। मेरी एलईडी ऑन हो चुकी है। अब मैं यहाँ से डिस्प्ले शिफ्ट करता हूँ, डिस्प्ले मेरा शिफ्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सीआरओ में रेड सिग्नल, और आप देखो सीआरओ में देखो ये ग्रीन सिग्नल है। और इसी तरीके से मैं आपको ब्लू सिग्नल दिखाता हूँ, ये मैंने लगाया, ये ब्लू सिग्नल आ रहा है। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारा ये सर्किट जो है लॉजिक कार्ड बिल्कुल ओके हो चुका है। अब मैं आपको ऑन करके डिस्प्ले दिखाता हूँ। ये मैंने डिस्कनेक्ट किया, सबसे पहले मैं केबल लगाता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर ली, सप्लाई लगाई। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये देखो, पहले मेरी एलसीडी में रेड कलर नहीं आ रहा था, अभी आप देख रहे हो कि इसमें रेड कलर प्रॉपर आ रहा है और मेरा लॉजिक कार्ड बिल्कुल ओके हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के नीचे मेरे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो प्लीज़ आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक्स फ्रेंड्स, नई वीडियो में लेकर बहुत जल्दी आपके सामने आऊँगा।